नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सारे इंडिया परिवार के सिलसिले में, और सारे इंडिया परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आज हम इस इन्वेस्टर्स के लिए आज हम इस वीडियो के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सारे इंडिया परिवार में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट है उसके सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि सारे इंडिया परिवार में लोगों ने पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि सारे इंडिया परिवार में उनको मैच्योरिटी अमाउंट काफ़ी अच्छा दिख रहा था, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको काफ़ी बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब ये उनको नहीं मालूम था कि सारे इंडिया परिवार में जब उनकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा और उनकी मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं मिल पाएगा आसानी से, क्योंकि सारे इंडिया परिवार में जब उनका सन 2008 से पहले की बारे में बात करें तो लोगों का पैसा मैच्योरिटी अमाउंट बड़ी आसानी से मिल जाता था, और जैसे ही उनकी डेट आती थी उनको अमाउंट उनको सारे इंडिया परिवार के ऑफिस से बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन सन 2008 के बारे में बात करें, सन 2008 के बाद से कुछ इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट सेबी तक पहुंची और उसके बाद से सेबी ने जो है इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद सारे इंडिया परिवार और सेबी के केस के बीच में जो है केस चलने लगा, जिसकी वजह से सारे इंडिया परिवार के जो मुखिया हैं सुब्रत रॉय सहारा जी, उनको जेल भी जाना पड़ा। सारे इंडिया परिवार में सुब्रत रॉय सहारा जी जो है मेन मुखिया हैं और सारा डिसीजन वही लेते हैं। सारे इंडिया परिवार की यूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो है सारे इंडिया परिवार में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट हो पाया। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ साथ बहुत सारे एजेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।